हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेजर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन के बारे में। द फर्स्ट पॉइंट इज, व्हाट इज अ लेफ्ट आउटर ज्वाइन? इट इज अ ज्वाइन व्हिच गिव्स व्हिच रिटर्न्स द मैचिंग रोज एंड द रोज व्हिच आर इन द लेफ्ट टेबल बट नॉट इन द राइट टेबल। लेफ्ट आउटर ज्वाइन जो है, जब भी लेफ्ट आउटर ज्वाइन के बारे में पूछा जाता है तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन के बारे में हमेशा याद रखना, लेफ्ट आउटर ज्वाइन की डिटेल तभी आपको पता होगी कि ये क्या आउटपुट देता है। उससे पहले आपको नेचुरल ज्वाइन के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज लेफ्ट आउटर ज्वाइन या राइट आउटर ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन, ये तीनों जो आउटर ज्वाइन है, ये नेचुरल ज्वाइन प्लस समथिंग। प्लस समथिंग मतलब कि ये नेचुरल ज्वाइन की जो आउटपुट है वो तो आएगी आएगी इसमें, प्लस वो रोज जो लेफ्ट टेबल में है बट राइट टेबल में नहीं है। अब नेचुरल ज्वाइन क्या रिटर्न करता है? मैचिंग वैल्यूज, मतलब जो दो टेबल में कॉमन डेटा है उस कॉमन डेटा की वैल्यू को बराबर रखता है, मतलब जो दोनों टेबल में मैचिंग होनी चाहिए, जो वैल्यूज दोनों टेबल में मैचिंग है, कॉमन है, उसको आउटपुट में देता है। और नेचुरल ज्वाइन के बारे में एक बार आप जरूर मेरी वीडियो चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो नेचुरल ज्वाइन तो है ही है, प्लस एक्स्ट्रा इसमें एक चीज है कि लेफ्ट टेबल से जो डेटा है वो भी आउटपुट में आता है। मतलब अगर मैं इसको डीबीएमएस के टर्म्स में हम देखते हैं, उससे पहले अगर मैं इसको नॉर्मल वैन डायग्राम से बताऊं, वैन डायग्राम से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। लेट्स से देयर आर टू टेबल्स ए एंड बी। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल ज्वाइन? जो भी दो टेबल में कॉमन है वो आउटपुट में आएगा। कॉमन मतलब लेट्स से कि यहां पे कॉमन क्या है, D1, डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर दोनों में कॉमन है, तो जहां जहां पे डिपार्टमेंट नंबर इक्वल है वो आउटपुट में आएगा। तो उसको मैं बोल सकता हूं कि दिस कॉमन डेटा, दिस कॉमन स्पेस, दिस इज द नेचुरल ज्वाइन। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या है? वो नेचुरल ज्वाइन तो है, मतलब ये तो आएगा ही आएगा, मैचिंग वैल्यू तो आएगी आएगी, कॉमन वैल्यू आएगी ही आएगी, बट एक्स्ट्रा क्या आएगा? ए का डेटा, मतलब लेफ्ट साइड में जो टेबल लिखा हुआ है उसका डेटा भी आउटपुट में शो होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो पहले तो सिनेरियो देख लो, एम्प्लॉई टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल है, एम्प्लॉई में एम्प्लॉई नंबर, नेम डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट में है डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन। टेबल के नेम में यहां पे लिख देता हूं, और ये कुछ डेटा जो है हमने इंसर्ट किया है इन दोनों टेबल में। अब क्वेरी जो है लेफ्ट आउटर ज्वाइन की, क्वेरी हम कैसे लिखते हैं? लेट्स से सेलेक्ट, आई नीड टू सेलेक्ट सम वैल्यूज लाइक एम्प्लॉई का नंबर, एम्प्लॉई नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन। मतलब कौन सा एम्प्लॉई है, उसका नेम क्या है और वो किस डिपार्टमेंट में और किस लोकेशन में काम कर रहा है, वो फाइंड करना है। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल नेम 1 एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय टेबल है लेफ्ट साइड में, बिकॉज लेफ्ट आउटर ज्वाइन। यहां पर मैंने क्या लिखा है, डायरेक्ट हम यूज करेंगे लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब लेफ्ट आउटर ज्वाइन के लेफ्ट में कौन सा टेबल है? एम्प्लॉय। तो यानी एम्प्लॉई का डेटा सारा का सारा आउटपुट में आएगा, और राइट साइड में टेबल कौन सा? डिपार्टमेंट। ऑन एम्प्लॉई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ये जो कंडीशन है ये हम किसके लिए लगाते हैं? नेचुरल ज्वाइन के लिए। नेचुरल ज्वाइन क्या होता है? कॉमन जो एट्रीब्यूट है उसको हम बराबर रखते हैं। वही हमने किया, कॉमन एट्रीब्यूट कौन है? डिपार्टमेंट नंबर, और उसको हमने बराबर रखा। लेकिन अब आउटपुट जो है, आप आउटपुट देखिए कि आउटपुट कैसे आएगी इसमें। इसमें जो मेन आउटपुट वो बनाएगा लेफ्ट वाला टेबल। लेफ्ट वाला टेबल कौन सा है? एम्प्लॉय। अगर आप यहां पे डिपार्टमेंट लिख देते हो तो लेफ्ट वाला डिपार्टमेंट बन जाएगा। वो डिपेंड करता है क्वेरी पे। तो क्वेरी में हमने एम्प्लॉय लिखा है तो आउटपुट में किसका डेटा आएगा? लेफ्ट वाले टेबल का। कैसे? देखो, आउटपुट में हमें क्या शो करना है? एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन। ये चार चीजें जो है आउटपुट में आनी चाहिए। तो मैं इन चार चीजों को यहां पे, बिकॉज ऑब्वियसली ये रिटर्न करेगा ये चारों चीजें एज ए टेबल, तो आप एज ए टेबल जो है आउटपुट बना सकते हो। फ्रॉम एम्प्लॉय लेफ्ट आउटर डिपार्टमेंट, ऑन डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर। तो आप देखो, इवन वरुण D1, क्या D1 यहां पे कहीं है? यस, ये रहा। तो मैचिंग हो गई, तो मैचिंग का डेटा तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। तो मैचिंग का डेटा तो क्योंकि नेचुरल ज्वाइन में आएगा, तो आपको ये डेटा तो लिखना ही लिखना है, मैचिंग वैल्यूज। इवन वरुण
और D1 is equal to D1, yes, D1 is equal to D1, so department name उठा लेते हैं हम IT and location is Delhi. So the first row will look like this. Second, E2 Amrit D2, department number is D2, is there any D2 in this? Yes. मैचिंग हो रही है, यस मैचिंग हो रही है, तो मैचिंग का डेटा तो आना ही आना है, बिकॉज नेचुरल ज्वाइन का डेटा तो आएगा ही आएगा, प्लस एक्स्ट्रा आएगा. अभी हम एक्स्ट्रा जो है जब आएगा तो हम उसको देखेंगे. D2 is equal to D2, yes. तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नेम कौन सा है? HR, और लोकेशन है हैदराबाद. देन थर्ड, E3 रवि D1, क्या यहाँ पे D1 है? यस, ये रहा. सो D1 is equal to D1, ये मैच कर गया, तो हमने इस डेटा को तो उठाना ही उठाना है. E3 रवि D1, D1 के कॉरेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नेम है IT एंड लोकेशन है दिल्ली. सो दिस इज द आउटपुट. नाउ द फोर्थ रो, व्हाट इज द फोर्थ रो? E फॉर नितिन, E फॉर नितिन, नितिन एंड डिपार्टमेंट नंबर, देयर इज नो डिपार्टमेंट नंबर. तो इस डिपार्टमेंट नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई मैचिंग है? नहीं मैचिंग, लेकिन ये आउटपुट में आएगा, ये वाली वैल्यू, सिर्फ ये वाली वैल्यू आउटपुट में आएगी. क्योंकि हमने क्या लिखा है कि विच आर इन द लेफ्ट टेबल, रोज विच आर इन द लेफ्ट टेबल बट नॉट इन द राइट. सो ये लेफ्ट टेबल में तो है ही ना, E फॉर नितिन लेफ्ट टेबल में तो है, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि यहां पे नल है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई राइट टेबल में नहीं है, तो कोई बात नहीं. अगर नहीं है तो हम इस वैल्यूज को नल नल यहां पे रिप्रेजेंट कर देंगे, सिंपल, बिकॉज इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन नहीं है. सो द आउटपुट विल बी नल नल. बट ये चार रोज आएंगी ही आएंगी, क्योंकि ये चारों रोज, ये चारों टप्पल लेफ्ट टेबल से हमने उठानी है. जब हम राइट की बात करेंगे तो हम इस टेबल की बात करेंगे पहले. तो राइट टेबल के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो लेफ्ट आउटर ज्वाइन जो है बहुत ज्यादा नहीं आता, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि लेफ्ट ज्वाइन का, लेफ्ट आउटर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्या है. नेचुरल ज्वाइन प्लस समथिंग एल्स. समथिंग एल्स क्या है? ये ऑलवेज रिमेंबर, मैचिंग रोज एंड द रोज विच आर इन द लेफ्ट टेबल बट नॉट इन द राइट टेबल. एंड दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग द क्वेरी फॉर लेफ्ट आउटर ज्वाइन इन ओरेकल. मैंने ये एक ही फॉर्मेट उठाया ओरेकल का, MySQL में हो सकता थोड़ा बहुत सिंटेक्स का फर्क हो, लेकिन आप एक क्वेरी जो है इसकी याद रख सकते हो, जहां पे भी आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन दिखे, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि डेटा जो है आउटपुट में क्या आएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द लेफ्ट आउटर ज्वाइन. थैंक यू.